मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कटनी जिले के कैमोर में बीजेपी प्रत्याशी संजय पाठक के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रवाद पार्टी से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि गरीबों के लिए सिर्फ डबल इंजन की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार ने ही काम किया है और बीजेपी सरकार ने 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे लगाए लेकिन गरीबों को ही हटा दिया। घोषणा की थी कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा, 2 लाख का कर्जा माफ किया किसी का मान नहीं हुआ डिफॉल्टर बना दिया और 26 लाख किसान कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जब मैंने सरकार बदली उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 12 लाख किसानों का 2500 करोड़ का ब्याज मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना के तहत सहकारिता के बैंक में पहुंचाया। अब बताओ मुझे सरकार बदल के मैंने ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? अब बताओ आप लोग, आप में से कितने लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है? यस सर, मिलती है। उठाए रखना थोड़ी देर, दुखेगा तभी याद आएगा कि सिंधिया जी ने क्या कहा। मिलती है? अच्छा बताओ मुझे कितनी मिलती है? 12,000। 12,000? यस सर। 12,000 मिलती है कि नहीं? यस सर। अरे पीछे से बताओ 12,000 मिलती है कि नहीं? ये मेरा सौभाग्य कि आज महाराज ग्वालियर भारत के सबसे युवा चेहरों में से एक नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी साथी मंत्री कैबिनेट मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हम लोगों को सभी को मार्गदर्शन और एक ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनका आगमन हुआ। मेरा और आदरणीय सिंधिया जी का जो व्यक्तिगत संबंध है, आज उन संबंधों का सम्मान करते हुए माननीय सिंधिया जी यहाँ पर हमको संबल प्रदान करने, हमें नई ऊर्जा देने, हम सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने आज यहाँ पर पधारे। मैं अभिनंदन करता हूँ आदरणीय सिंधिया जी का, और वो रिश्तों को बहुत निभाते हैं और यही कारण है कि उन्होंने बोला कि मैं संजय तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा। बहुत पहले बात हुई थी कि महाराज जब भी मैं चुनाव लड़ूँ आपको आना पड़ेगा, और उन्होंने अपने वादे को भी निभाया, अपने संबंध भी निभाए, और आज जिस प्रकार का संबोधन उद्बोधन और मार्गदर्शन हमारे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को मिला अद्भुत था। और उन्होंने जो राष्ट्रवाद को लेकर, मंदिर को लेकर, कांग्रेस की नीतियों को लेकर, पिछली सरकार को लेकर जो बात अक्षरशः सत्य बोली, ये हर किसी के मन मंदिर में हृदय में आज चली गई, प्रवेश कर गई। इसका एक मतलब आप निकाल लीजिए कि आज जितने लोग सभा में आए थे और जितने लौट के जाएंगे, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राण प्राण से आशीष लगेंगे। और इस बार विजय राघवगढ़ का जो रिकॉर्ड होगा, मैं कहता हूँ संजय पाठक तो केवल नाम का प्रत्याशी है, यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता और एक एक नागरिक, एक एक माता, एक एक बहनें चुनाव लड़ रही हैं, अद्भुत रिजल्ट आएगा, प्रत्याशी रिजल्ट आएगा।